कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। झारखंड खैरात में नहीं मिला है मेरे साथियों, इस बात को याद रखिएगा कि महाराज किसका है? महाराष्ट्रियों का। ना ना दम नहीं। कि महाराज किसका है? महाराष्ट्रियों का। थोड़ा कम है। कि महाराज किसका है? महाराष्ट्रियों का। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। बंगाल किसका है? बंगालियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। झारखंड सबके बाप कह देंगे। नहीं। झारखंड सबके बाप कह देंगे। नहीं। बस है बतुआ याद रखिए कि चंदकोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और मन। कि चंदकोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और मन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान। कि जंगल छीना जमीने छीनी, जंगल छीना जमीने छीनी, दांव पेट से छीन लिया संसार। कि जंगल छीना जमीने छीनी, दांव पेट से छीन लिया संसार। तुम ही बताओ अब कौन भला नहीं उठाएगा हथियार। आज ये लड़ाई आरापतियों से है, ये लड़ाई कब्जाधारियों से है जिन्होंने रांची में कब्जा किया, सीएनटी कानूनों को तौहीन किया। मुख्यमंत्री जो कहते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनकी गाल पे तमाचा मार के सीएनटी को कब्जा किया, उनसे लड़ाई है। आज यहाँ बहुत सारे सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी, गुंडा, मांझी, कुर्मी, घटवार, हरिजन, स्वान सब आए हैं। मायर खासकर आदिवासी समुदाय, चूंकि मुख्यमंत्री कहते हैं आदिवासी का बेटा है, एक बात याद रखिएगा, यदि आपको बिरसा और हेमंत में चुनना पड़े किसको चुनिएगा? बिरसा। सही बात, क्योंकि सबसे बड़ा जब सवाल खुलेगा, भले फंसता है तो बोलते हैं आदिवासी का बेटा है, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल खुलेगा मुख्यमंत्री कटघरे में होंगे। क्योंकि सीएनटी का नियम क्या है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र का। थाना मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के। रांची में जमीन, दुमका में जमीन, धनबाद में बोकारो। मुख्यमंत्री आप बताइए कैसे सीएनटी मजबूत होगा? झारखंड तभी बचेगा जब सीएनटी एसपीटी का कानून मजबूत होगा। जो खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये मुखिया हमारा मुख्यमंत्री, ये खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये क्या सीएनटी बचाएगा भाई? मेरे जितने भाई बंधु अगर आए हैं जो सीएनटी में आते हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूं, अगर गलती कर रहा हूं तो ठोकिएगा। सीएनटी है ना, आदिवासी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। ओबीसी का शायद जिला क्षेत्र है, ओबीसी का जिला, एसटी एससी का थाना। तो मुख्यमंत्री तो पूरा राज्य में जमीन लिए हैं, सही बात है कि नहीं? तो कैसे होगा? अबुआ दिशम अबुआ राज, पिंटू श्रीवास्तव से पूरा होगा। हाँ, सुप्रियो भट्टाचार्य पूरा करेंगे, अबुआ दिशम अबुआ राज। बताइए, वही लीडर झारखंड में झारखंड को चेंज करने का औकात रखता है जो सर पे कपट बांध के घर से निकलेगा। यहाँ सबका देखबे कि पत्नी के नाम पे अलग माइंस, सलहज के नाम पे अलग माइंस, साली के नाम पे अलग माइंस। इन लोग झारखंड बदलेगा, इन लोग केवल अपना परिवार बदलेगा। कितना जमीन 20 साल बाद नहीं बचेगा, मेरा वीडियो YouTube में, सोशल मीडिया में मिल जाएगा,
हो सके 20 साल बाद हम ना रहे, लेकिन याद रखिए अगर आज आप नहीं जीते 20 साल बाद जो दशा दुर्दशा एचसीसी का रांची का हुआ है वो सिली मोरी टाटी सिलवे नानकुम और मांझी का भी होगा। ये रिंग रोड क्या है, क्या है रिंग रोड? जमीन लेने का एक चोरी करने का तरीका है। एक बात बताइए, इतना जो सड़क चौड़ा हुआ कई को किसान को फायदा मिला? सब अरबपति के लिए बनता है। राम बोलते हैं कि भारत किसानों का देश है। मैं अंतिम सवाल सिराजदा, क्योंकि लोग कहते हैं भारत गांधी का देश है, लोग कहते हैं भारत संविधानिक देश है, मैं उनको चुनौती दूंगा कि गांधी बात को अगर किसी ने मारा है तो संविधान में बैठे लोगों ने मारा है। क्योंकि गांधी का एक कथन था अंग्रेजी में, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये गांधी का कथन था, रिसोर्सेस यानी संसाधन, कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड यानी हमारी जरूरत के लिए बना है, नॉट फॉर आवर ग्रीड लालच के लिए नहीं बना है। मैंने जो ये उदाहरण दिया ये गांधी का ही है ना, गूगल है चेक कीजिए, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यदि ग्रीड के लिए नहीं है तो पूजा सिंघल बताए 25 करोड़ किसके लिए? छवि रंजन बजा बताए साली के लिए कि सेकेंड वाइफ के लिए? इनको कब सजा मिलेगा? जेल में भरने से सजा होता है, वहां तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। इसलिए आज वचन देते हैं अगर हम लोग दिल्ली तक पहुंचे तो सब सर्वेंट के दुहड़ के रख दे, कौन इंस्पेक्टर कितना फुटानी करते है ना गरीब से, देखे भाई तुहर के राइट दबाई दू गो बनाओ तुहर के राइट दबाई। एक भी जितना बेईमान रहेगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो लोग सोचता है अंतिम बार बोलेंगे, क्या सोचते कानून माने केस उसमें फंसा देंगे, गलत सोचते हैं। संसद में अगर हम लोग जाएंगे तो सीधा रास्ता से बात करेंगे, बेकार का जेल वाला ख्वाब मत दिखाइए, जुमरा का पहाड़ खाली है। इसलिए फालतू मत सोचेगा, जितना लोग अगर सोचा है कि लड़का को रोका जा सकता है पागल है, शेर जितना जख्मी होगा उतना खतरनाक होगा। ये फरार मत रहे कि हम नेता बनने आए हैं केस से बचेंगे एमपी एमएलए बनेंगे, पागल है, केस कीजिएगा तो आपको देखिए को केस नोच लेंगे 24 में। पागल है, पगला गए बोरा गए है क्या कि केस कर देंगे तो रुक जाएंगे? पागल है सर्वा, जितना केस होते हैं उतना मजबूत होते हैं। केस हम लोग का टॉनिक है, केस हम लोग का टॉनिक है। ये नौजवान ये इश्क करने नहीं इनकलाब करने आए। लाल रंग सबको पसंद आता है सिराज भाई, आपको आया है कि नहीं अभी तक पता नहीं। लाल रंग सबको पसंद आता है, खासकर नौजवानों को। अगर वो इश्क करने लगे तो मासूका की चूड़ी का रंग लाल दिखता है, और ये इंकलाब करे तो बदन के लहू का रंग लाल दिखता है। हमें लाल रंग से इश्क है, यानी प्रेमिका की लाल चूड़ी से नहीं, इस बदन में जो लहू लाल है उससे इश्क है। तो जब मेरा लहू लाल है तो सामने वाला का भी लाल ही है। तो ठीक है नौजवानों, कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए मेरे खून का हिसाब रखना।
कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, कि उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये इनकलाब जो निकला है आज सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है हक के चीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लात चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, इनकलाब आया है, इनकलाब आया है। आप साथ दीजिए, आप शासन को बदलिए, पर शासन को बदलने का जिम्मा हम पे छोड़ दीजिए। अभी चर्चा होता है रांची की गलियों में, कि सब सुनते हैं ये लड़का कुछ भी नहीं है, जो बोलता है ए वीडियो ए डीसी ए सीओ, ये लोग बन जाएगा तो क्या करेगा सर। तो हम एक ही लाइन बोलेंगे, जो ईमानदार है उनका हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन जो गद्दार है, जो राक्षस है, जो बेईमान है, उसको उसी की भाषा में उत्तर देंगे। तो आज आप आए इसके लिए सभी का धन्यवाद। आज राजधानी ने, क्योंकि राजधानी बहुत पीड़ित हुआ है, सीएनटी होने के बाद भी जमीनें छीनी गई हैं, तो पीड़ित राजधानी के लोगों को यही संदेश कि ये समय उलगुलान का है, ये समय परिवर्तन का है, ये समय माटी के नव निर्माण का है। भारत बागी नहीं, युवा है हम लोग, युवा 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 का मतलब उल्टा कीजिए, वायु, युवा, वायु, वायु माने हवा। हम लोग बिना हवा का रहेंगे तो पानी गया, ठीक है। सबको राजधानी में उपस्थित इस जनसैलाब को पक्का है नींद आप लोग उड़ा दिए, नींद उड़ा दिए। आज राजधानी में उपस्थित जनता जनार्दन को, जो आयु में बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं अपना शीश झुकाता हूँ, और जो हमसे आयु में छोटे हैं उनको मैं आशीष देता हूँ। मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले, आज इस तूफानी कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जिसने तमाम लोगों की नींद उड़ा दिया है और माथे से लेकर पैंट में पसीना भर दिया है, इस आयोजन समिति को, टाटी सिल्वे के तमाम अभिभावक, नौजवान साथियों जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, उसके लिए धन्यवाद। और मीडिया के कर्मी, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अन्य जितने भी स्रोत हैं, धन्यवाद, आभार, झारखंडी जोहार। यदि क्योंकि प्रशासन का भी हले, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, भले जो लोग गलती करते हैं उनको हम लोग लताड़ते हैं, लेकिन यदि कोई पुलिस कर्मी आए हैं आज सुरक्षा देने के लिए, उनका भी आभार, धन्यवाद, जोहार। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग किया, टेंट से लेके साउंड, अगर थोड़ो धन्यवाद, टेंट से लेके साउंड से लेके ऊपर भी उड़ा रहा था, क्या था वो? ड्रोन, ड्रोन, ओकरो धन्यवाद, कुर्सिया वाला के धन्यवाद, लेटवा वाला के धन्यवाद, पंडाल वाला के धन्यवाद, बांस वाला के भी धन्यवाद, आप धन्यवाद, ओकरो जो पढ़िया नहीं कर ले, अरे हो ट्राई कर ले। एक बात है, डराया कहा गया, डराया उसको जाता है जो डरता है, वो ट्राई किया डराने का, पानी गिराया तो तीन को सभा में चला, इन लोग छाता लेके खड़ा हो जाता है, भिजले भिजले तो कहा करें, बहुत ट्राई किया,
दो तीन बार पानी गिराया, लेकिन देखा है लोग खड़ा हो गया फिर से दे रहा है माइक में कवर लगा के। आज भी आवाज आ लो ना, रास्ता बदल ले लो। तोने कहानी सुना ली ना कि बादल जब तेरा इश्क से पड़ेगा वास्ता बदलेगा रास्ता। आज इनकलाब से पड़ा है वास्ता, बदल लिया रास्ता। ठीक है, सबके जोहार।